हमने आपको इसलिए तकलीफ दी है कि जो रीसेंट ट्रेंड हम देख रहे हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, ये टोटली एंटी यूथ है, एंटी पब्लिक है, एंटी एंटी जम्मू जम्मू है, एंटी फार्मर्स है। किसी भी इशू पे आप ले लीजिए, आज हमने जो एक्सरसाइज अपने लेवल पे की, अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और के मैटर्स जो रिक्विजिशंस थी ये पीएससी को और सर्व सिलेक्शन बोर्ड को भेजे हुए थे। 1 मिनट में सैक की मीटिंग होती है और सारी पोस्टें जो हैं ये विड्रॉ हो गई, जिससे लाखों के हिसाब से बच्चे हमारी पूरी यूटी के अंदर बोर्ड के और पीसी पीएससी के बच्चों को अगर देखा जाए, ये लाखों के हिसाब से होंगे जिन बच्चों को इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिप्राइव किया है फ्रॉम एंटरिंग इनटू गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स आगे ही आप पीडीडी में आप देख लीजिए, लोग एजिटेशंस कर रहे हैं, लोगों के केसेस अंडर कंसिडरेशन है रेगुलराइजेशन के लिए। जिन लोगों ने स्टैट्यूटरी पीरियड कंप्लीट कर लिया है उनकी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए। आपने फेज्ड मैनर में जो लोग काम कर रहे थे उनको आस्ता आस्ता करके हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया। हमारी जो स्टैट्यूटरी यहाँ कॉरपोरेशंस थी, मुझे कोई एक साथी बता रहे थे कि हमारी कॉरपोरेशंस में भी फेज्ड मैनर में लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, और अगर नहीं निकाले जा रहे तो फ्रेश रिक्रूटमेंट जीरो है। पीएससी और ये सर्व सिलेक्शन बोर्ड ही लोगों की उम्मीदें थी जिस पे लोग बैठे हुए थे, जिन लोगों ने अप्लाई किया हो था। मान लीजिए आप एक आदमी 35 ईयर्स ओल्ड था इन द ईयर 2018, उसके लिए एक पोस्ट आ गई, या तो बोर्ड ने की या कमीशन ने की, उसने अप्लाई कर दिया। आज उसकी पोजीशन ये है कि पोस्टें विड्रा हो गई, अगली बार आप जब भी कभी एडवर्टाइज करोगे तो वो इनएलिजिबल हो गया। इसी टाइप के मैं समझता हूँ हजारों के हिसाब से बच्चे होंगे जिनको ये एडवर्सली इफेक्ट कर गया सैक का ऑर्डर। मैं और हमारे साथी सभी बाहर के मेंबर्स ये अपनी जगह पे बड़े चिंतित हैं, क्योंकि हमारी भी एक ड्यूटी सोसाइटी की तरफ बनती है। हमारे बीच में हमारे साथी जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं पूरी यूटी के अंदर, उन सब ने अप्लाई किया था प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स के एग्जामिनेशंस के लिए, वो तो कंप्लीटली खत्म हो गए बेचारे। आपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हमारे बीच में से लोग अपॉइंट होते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पे हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट होते थे, वो आपने हमारे से वो पोस्टें भी वकला साहिबान से छीन ली। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ कि आप एंटी यूथ, एंटी पब्लिक, एंटी फार्मर्स, एंटी लेबर, आप एंटी लेडीज वुमेन, हर एक जगह पे किसी भी स्फीयर पे आप देखिए, ये जो पॉलिसीज हैं इन पॉलिसीज को बंद करिए और प्रो पब्लिक पॉलिसीज जो हैं उनको अडॉप्ट करिए, और ये जो ऑर्डर आपने पास किया है इस ऑर्डर को इमिडिएटली विड्रॉ करना चाहिए, ताकि हमारी स्टेट के लोग इससे अफेक्ट, यूटी के लोग हमारे जो हैं ये अफेक्ट ना हो। ये चीजें कहां से आ रही हैं, इनको कौन एडवाइस दे रहा है हमें, या तो फिर ये जैसे मेरे अभी वाइस प्रेसिडेंट साहब का ये कहना है ये बाहर से लोग लाना चाहते हैं। आपने लद्दाख में उन लद्दाखियों के जितने राइट्स थे उस यूटी में, वो सारे के सारे महफूज रखे हैं। उनके लैंड राइट्स आपने महफूज रखे, आपने उनकी एम्प्लॉयमेंट के राइट्स महफूज रखे। मैं समझता हूं, मैं अगर लद्दाख में लैंड परचेज करना चाहूंगा, मैं वहां लैंड नहीं परचेज कर सकता। लद्दाख तो हमारी स्टेट का एक हिस्सा था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने से पहले। तो ये सारी चीजें जो हमारे साथ हो रही हैं, ये जम्मू के लोगों को ही पनिश किया जा रहा है और टारगेट भी हम ही लोग बन रहे हैं। और अगर ये जो फैसला है सैक का, इसको रिवोक नहीं किया गया, इमीडिएटली विड्रॉ नहीं किया गया, मैं ये आपके थ्रू आपके मीडियम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ कि हम घर घर जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे, विलेज विलेज जाएंगे, और पूरी यूटी के अंदर हम एक एजिटेशन जो है वो लॉन्च करेंगे।